अच्छा देखो यार, लास्ट सेशन में एक्चुअली हम लोगों का जो सेशंस चल रहे हैं पीपीई के पास पेपर्स पे, इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू, अच्छा ग्रुप पे मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना, ताकि जो ठंड खोर हैं उनको पता चल जाए। तो सर, कमिंग टू द पॉइंट क्विकली, लास्ट सेशंस में जो हम लोगों ने पिछले जो एक दो सेशंस में उसके अंदर व्हाट वी वर डूइंग एक्चुअली, के हम लोग जो है डिस्क्लोजर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला कि IAS 16 पर जो है वो डिस्क्लोजर देता है या फिर रिवेल्यूशन देता है या फिर दोनों साथ दे देता है, सही है ना। तो सर, हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्क्लोजर प्लस रिवेल्यूशन, यानी डिस्क्लोजर भी था उसमें रिवेल्यूशन मॉडल भी था, हमने दो क्वेश्चंस किए, एक फैम लिमिटेड और एक शेयर दिल लिमिटेड। अच्छा, ये मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट बना दिया है, 5 और 6 पेजर हैंडआउट, इसके अंदर तुम्हारा फैम लिमिटेड भी मिल जाएगा और इसमें तुम्हारा शेयर दिल भी मिल जाएगा, सही है। और अच्छा यार देखो, मैंने जो है ना तुम लोगों को वॉइस नोट्स भी भेजे हैं फॉर द सेक के, यार होता ये है कि बच्चे बाजू का क्यूरीज वगैरह पूछ रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि एक बच्चे के दिमाग में होगा तो जाहिर सी बात है और बच्चों के दिमाग में भी होगा, तो मैं इज्तमाही तौर पर कोशिश करता हूँ कि वॉइस नोट बना लूँ। तो ये क्वेश्चन था TLE वाला, टाइम लाइफ एंटरप्राइजेस, ये आया था 2016 में या 15 में। तो इसके ऊपर मैंने इस क्वेश्चन को पूरा वॉइस नोट में 8 या 9 मिनट के वॉइस नोट में समझाया है, तो थोड़ा सा टेढ़ा किस्म का क्वेश्चन था। तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू कि उन वॉइस नोट्स को जरूर गो थ्रू करना। ये वॉइस नोट जो है वो दही लगा के चाटने के लिए नहीं है, ये वॉइस नोट सुनने के लिए है। इसके अंदर जो है तुम लोग अलग से पढ़ोगे, तुम्हारा जहां 1 घंटा निकलना है वहां तुम्हारा ये आधे घंटे के अंदर पूरा क्विक रिविजन हो जाएगा। ये सवाल तो तुमने करना है, तो सवाल करके अगर तुम्हें सोल्यूशन वगैरह चाहिए तो मैंने वॉइस नोट्स की शक्ल में जो है दिए हुए। बाकी अच्छा, अगर तुम देखो एक बात नोट करो, तो मैंने तुम लोगों को फैम करवा दिया है लास्ट सेशन में, मैंने तुम लोगों को शेरदिल करवा दिया है लास्ट सेशन में, जो कि अभी मैंने हैंडआउट शेयर भी किया है, सही है। आज हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और एवरग्रीन क्वेश्चन है, स्टील एयर लिमिटेड। स्टील एयर लिमिटेड, दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चंस आई वुड से रिलेटेड टू IAS 16 का डिस्क्लोजर, इसमें बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को। तो मैं चाहूंगा कि 10 मिनट इस क्वेश्चन को दो, इसको रन थ्रू करो, फॉर्मेट बनाओ एटलीस्ट, ठीक है ना, फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। प्लीज ओवर टू यू पीपल। इसके सॉल्यूशंस भी मैंने जो है वो तुम लोगों को शेयर किए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो सर ये क्वेश्चन है, ये स्टील एयर लिमिटेड, मैं चाहूंगा तुम लोग प्लीज अटेम्प्ट करो इसको, 10 मिनट लो, अच्छे से इसको करो। सर हर क्वेश्चन में डिस्क्लोजर बनाना जरूरी है, नहीं अरसला, नहीं 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 नहीं, जिस क्वेश्चन में मांगा गया है उस क्वेश्चन के अंदर आपने बनाना है, वरना नहीं बनाना, सही है ना। डिस्क्लोजर जिस क्वेश्चन में मांगा गया है आपने उस क्वेश्चन में बनाना है, वरना नहीं बनाना, सही है ना। तो प्लीज 10 मिनट लो, इस क्वेश्चन को करो, अटेम्प्ट करो, रन थ्रू करो, सही है ना, फिर मैं इसको करवाता हूँ। जल्दी से कर लो प्लीज। अगेन देखो, एक चीज मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि जो है मैं तो तुम लोगों को करवा दूंगा, मेरी तो कैसेट चलेगी, सही है ना, मेरा दिमाग नहीं चलेगा। अभी जो हम लोग ये प्रैक्टिस टू पास जो हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, जो सेशंस कर रहे हैं, उसमें अगेन तुम लोगों का वैल्यू एडिशन या फायदा उस वक्त होगा जब तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करोगे, सही है ना। आई एम अज्यूमिंग कि मैंने चूंकि तुम लोगों को एक एक दो दो हफ्ते पहले से बताया हुआ है कि भाई आप लोगों ने पढ़ के आना है, तो तुम लोग IAS 16 की ऑलरेडी रिविजन करके आए हुए होगे, सही है। अगर तुमने नहीं की या ठंड खोरी की है तो फिर ये तुम्हारी हडरामी है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, सही है। तो आई एम स्ट्रॉन्गली लुकिंग फॉरवर्ड कि जब मैं तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, अपने पार्ट पे अटेम्प्ट करो, फॉर्मेट बनाओ, सही है ना। जैसे ही हम लोग ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स जो है मैं तुम लोगों को फिर लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स पूरे पूरे खुद करवाऊंगा, सही है ना। अभी मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ, जैसे अभी IAS 16 मैंने करवाया है, लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को जो है वो कौन सा करवाया था, IAS 33 करवाया था। तो जो है आज IAS 16 की आखिरी क्लास होगी, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर मैं IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली तैयारी कर लो, IAS 20 के बाद IAS 23 करवाऊंगा, उसके बाद IAS 8 करवा रहा। तो प्लीज ओवर टू यू। अब मैं ज्यादा बातें नहीं करता, आई वुड लाइक कि आप लोग इसको रन थ्रू करो इस क्वेश्चन को प्लीज। सर ये ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर्ड है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन ग्रुप पे शेयर्ड है। अगर किसी को पूरा सवाल नजर नहीं आ रहा तो वो ग्रुप को रेफर कर ले, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है।
रिक्वेस्ट टू यू इस तरह की क्लासेस 9:30 के बाद स्केड्यूल हो। जजाकल्ला। ओके अहमद यार, ठीक है, अगर मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से के सर जो है वो आपने क्लास 9:30 तक रखनी है तो इट्स टोटली फाइन विद मी, क्योंकि एक दिन मेरी FR2 हो रही होती है तो दूसरे दिन मैं FR1 लगा लूंगा, एज पर योर कम्फर्ट। भाई देख लो, एक सजेशन आई है कि सर जो है आप ये जो प्रैक्टिस क्लासेस लगा रहे हैं अभी वो 9:30 से 11:30 लगा लिया करें, तो मेरे ख्याल से अपने कराची वाले तो वैसे ही जो है वो उल्लू होते हैं, तो हम लोगों को तो लेट आने जागने की जो है वो आदत है, मगर जो है जो अदर देन कराची वाले उनके लिए देयर माइट बी एन इश्यू, तो आप लोग देख लो। इफ यू पीपल आर ओके विद के भाई 9:30 से 11:30 डेली बेसिस पे मिल रहे तो इट्स फाइन, चलो सही है। बाकी बच्चे भी इनपुट दें प्लीज। बाकी बच्चे भी प्लीज इनपुट दे सकते हैं। मैं सब बच्चों के बारे में चाहूंगा, सब बच्चे प्लीज इनपुट दें। सर मर्जी है, अब हमने तो लेनी ही है क्लास। ओके मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग अटेम्प्ट करो प्लीज। बस तो फिर डन हुआ, हम लोग इंशाल्लाह इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे प्लीज। जी बिल्कुल महम, ये रिकॉर्ड होता है और ये ग्रुप पे मैं शेयर भी करता हूँ, ठीक है ना मम। मेरे ख्याल महम मेरा बच्चा, आई थिंक यू आर द विजिटिंग स्टूडेंट जस्ट लाइक अ विजिटिंग फैकल्टी, ठीक है, या आप शायद नहीं हो, आज यूं ही क्लास लेने के लिए आ गई हो उड़ते फिरते, इज इट द केस? आई एम नॉट एट ऑल सेइंग टू लीव द सेशन, आई एम जस्ट आस्किंग, ठीक है ना। तो जो है अगर आप आज यूं ही लेने के लिए आ गई हो, इफ यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट सो डू लेट मी नो सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट, ठीक है ना। अच्छा रिकॉर्डेड लेती हो तो ये सारे रिकॉर्डेड होते हैं मेरा बच्चा, फिर ये सारे रिकॉर्डेड होते हैं, अगर आप रिकॉर्डेड लेते हो तो सारे लेक्चर्स मेरे रिकॉर्डेड होते हैं, बट आई वुड अगेन सजेस्ट यू के लाइव क्लासेस लिया करो, उसमें आपका ही भला होगा, ठीक है ना। इट्स टोटली अप टू यू, आई हैव नो इश्यूज, आप रिकॉर्डेड लेते हो इट्स टोटली फाइन, बट एटलीस्ट ये जो प्रैक्टिस सेशंस है ना दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर योर ओन बेनिफिट कि कोशिश करो इसको लाइव लिया करो, सही है। अच्छा मजे की बात ये, इसके अंदर जो है ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, वो तुमने निकालना है।
सुमेरा हिम्मत हार गई है। सुमेरा बोलती है आप करवा दें। क्यों सुमेरा देखकर परेशानी हो रही है इस क्वेश्चन को? वालेकुम अस्सलाम अदनान मेरे भाई, कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। यार अभी तो मैं डिस्क्लोजर्स का करवा रहा हूँ मुन्ना, क्योंकि डिस्क्लोजर्स आपको पता है इस दफा देयर आर हाई चांसेस के डिस्क्लोजर का सवाल आएगा, तो मैं डिस्क्लोजर की इसके अंदर रीवैल्यूएशन भी है। ये 2008 का सवाल है, ठीक है ना? ये बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। अच्छा सर मैं करवा दूँ तुम लोगों को? व्हाट यू से, मैं करवा दूँ? सर इट्स रिक्वेस्टेड कि प्लीज आप लोग जो है। हाँ बिल्कुल मैं करवाता हूँ, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इसमें आप लोगों का दिमाग खुलेगा। इट्स अबाउट जो मैंने आप लोगों को मूवमेंट करवाई थी ना, तो जिन बच्चों ने मूवमेंट की क्लासेस अच्छे से ली होंगी ना, तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी। और इसमें आप लोगों का पूरा डिस्क्लोजर, ये वो एरिया है जिसमें आपका पूरा IA-16 रिवाइज हो जाता है, ठीक है ना? तो सर इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। आई थिंक कि आज की ये पूरी क्लास ये इसी एक क्वेश्चन के अंदर निकलेगी। तो सर अच्छा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन के लिए ना आप लोग प्लीज हैंडआउट जो मैंने सॉफ्ट में शेयर किया हुआ है ना, आप लोग प्लीज उसको रेफर कर लें, सही है ना? ताकि मुझे बार बार स्क्रीन को इधर से उधर ना करना पड़े। हाँ फर्स्ट टाइम जो है ऑब्वियसली आई एम गोना डिस्कस द क्वेश्चन इन डिटेल विद यू। उसके बाद फिर जो है ना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं वन नोट पे सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग अपने सामने जो है क्वेश्चन को सॉफ्ट में आप लोग ओपन कर लीजिएगा। अच्छा सर सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। ड्राफ्ट द नोट टू द अकाउंट्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स। सर डिस्क्लोजर और नोट्स में क्या फर्क है? दोनों चीजें सेम है, डिस्क्लोजर और नोट्स दोनों चीजें सेम, सही है ना? अच्छा सर बोलता है इन अकॉर्डेंस विद द IFRS एंड द कंपनीज ऑर्डिनेंस आल्सो सबमिट नेसेसरी वर्किंग्स, गिव ऑल नेसेसरी फिगर्स टू द नियरेस्ट 1000। एक्चुअली ये जो सवाल है ये FR2 में आया था। अब चूंकि FR2 से PPE हट गया है, तो इसलिए जो है FR1 में जो है सारा का सारा आ गया है। तो इसमें सर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पर। यू हैव रिसेंटली बीन, अच्छा मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दो ताकि जो है मैं लेफ्ट अलोन फील ना करूं। आप लोग मेरे साथ हो ना सबके साथ? जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो कि आप लोग सब मेरे साथ हो या नहीं।
चलो दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, यू हैव रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्टील एयर लिमिटेड, अ कमर्शियल एयरलाइन। योर अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2006। ओके, यू हैव रिव्यूड देम एंड फाउंड देम सेटिस्फैक्टरी एक्सेप्ट फॉर द नोट ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ऑब्वियसली पीपी को आप बोलते हो। यू हैव स्क्रूटनाइज्ड द रिकॉर्ड्स एंड एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। The company acquired a land on 99 years lease on January 1st, 1999 for Rs. 200 million. Sir, zameen jo hai na, wo bazukat lease pe agar aap, achha, tumhari knowledge ke liye sirf bata raha hun, zameen do kisam ki hoti hai. Ek leasehold land hoti hai, ek freehold land hoti hai. Ye jo agricultural zameen hoti hai na, ye freehold land hoti hai. Ye jo aapke vadere ya chaudhri hote hai, unhi ki hoti hai. जो तुम्हारी शहरी जमीनें होती हैं वो लीज होल्ड लैंड होती है, गवर्नमेंट ने आपको लीज पे दिया हुआ होता है 99 साल की। हम जितने भी कराची में लोग रह रहे हैं ना, ये सब की सब गवर्नमेंट ने हमें लीज पे दी हुई है। तो सर 99 साल बाद क्या होगा? 99 साल बाद आपकी लीज रिन्यू होगी। एवरी वन इंक्लूडिंग मी वुड हैव टू पे समथिंग टू द गवर्नमेंट टू रिन्यू द लीज। तो सर अभी कब होगी? अभी 99 साल पाकिस्तान को हुए नहीं है, इंशाल्लाह 99 साल होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सर अगर तो लैंड आपकी लीज पर है तो फिर वो डेप्रिशिएट होती है, वो इफेक्टिवली लीज डेप्रिशिएट हो रही होती है। तो आसान सा मंजन भाई बारफानी अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख लो कि लैंड जो है उसकी लीज डेप्रिशिएट होगी अगर तो तुम्हें लीज के बारे में कहा गया है। सर लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसमें चूंकि लीज की कोई बात थी नहीं तो हमने उसको डेप्रिशिएट भी नहीं किया था। आर वी क्लियर ऑन दिस? आगे बढ़े। अच्छा सर, हम जो बना रहे हैं डिस्क्लोजर्स वो 30 जून 2006 के लिए बना रहे हैं, मगर हमने ये जो जमीन खरीदी है वो 1 जनवरी 1999 को खरीदी है। ओके, फिर बोलता है 200 मिलियन की। अच्छा, अगर तुम इस सवाल को तुम लोगों ने गौर से पढ़ा हो तो यू वुड रियलाइज के यहाँ तुम्हें, अच्छा मुझे बताओ अगर 30 जून 2006 की फाइनेंशियल्स बना रहे हो तो तुम्हारा ओपनिंग क्या होगा 1 जुलाई 2005। इस सवाल में तुम्हें ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिए हुए, तुम्हें ओपनिंग बैलेंसेस निकालने हैं, स्पेशली एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। तुम्हें ओपनिंग बैलेंसेस निकालने इस सवाल में। तो बोलता है इसका मतलब ये है कि सर अगर आपने ये 200 मिलियन की कॉस्ट तो है, अब 200 मिलियन के ऊपर कितना साल के शुरू तक 1 जुलाई 2005 तक accumulated depreciation charge हुआ, we will have to calculate this। अच्छा फिर बोलता है engineering machineries were acquired on April 1st 2000, हमने कुछ engineering machineries acquire की 330 million की 2000 में acquire की, आज 30 जून 2006 पे खड़े। As a result of annual checkup, certain parts were replaced at a cost of Rs. 50 million on 1st July 2005। कुछ 50 million के parts जो हैं वो हमने replace कर दिए साल के शुरू में। दिस रिप्लेसमेंट डिड नॉट एनहांस द यूजफुल लाइफ नो डिड इट इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स। बता रहा है कि इन लाइफ की वजह से सच कुछ भी नहीं हुआ, बट अगेन ये पार्ट्स रिप्लेस करना जरूरी था। न्यू पार्ट्स हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 30,000। ये जो 50 मिलियन के हमने नए पार्ट्स लगाए इनकी लाइफ जो है वो 30,000 है। कॉस्ट ऑफ रिप्लेस डिफेक्टिव पार्ट्स वाज Rs. 20 million। अच्छा सर, ये जो जाहिर सी बात है कि आपने जो पार्ट्स रिप्लेस किए तो कुछ नए पार्ट्स आए, नए पार्ट्स हैं 50 के तो पुराने पार्ट्स गए 20 के, तो इसका मतलब ये 20 का डिस्पोजल है 50 का एडिशन है। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर मुझसे बात? बल्कि सही है, डिस्पोजल वैसे तो कैश फ्लोज में तो 8 मिलियन आना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लोज ना, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपी में कितने का एडिशन हुआ और पीपी से कितना डिस्पोजल हुआ। 50 मिलियन का एडिशन हुआ है, 20 मिलियन का डिस्पोजल हुआ है, सही है? ठीक है मुन्नी। अच्छा हाँ, वो एक अलग बात है कि भाई कैश फ्लोज के पर्सपेक्टिव से हाँ तुम्हारा 8 मिलियन का जो है वो डिस्पोजल प्रोसीड है। अच्छा अब ये बोलता है ये जो मशीनरी है, टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी 60,000 आवर्स एंड द एवरेज यूजेज हैज बीन 500 मशीन आवर्स पर मंथ। ये कौन सा मेथड है? आर्ली मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। Estimated salvage value is 10% of cost. Sir, जो estimated residual value है वो 10% of cost है। अब यहाँ तुम्हारी जो है hourly method के ऊपर तुम्हारी जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी ये चीजें,
आर्ली मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस सेवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स इनटू नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड, सही है ना? तुम लोग शायद जो है वो बेसिक्स जब मैं करवा रहा था तो हल्के में लेके चले गए थे, आई एम श्योर नहीं लिया होगा तुम लोगों ने, अगर लेके चले गए थे तो अभी भारी बन के ही आएगा तुम्हारे ऊपर, और अगर पहले ही भारी ले लिया था तुमने तो अभी ये हल्का बन के तुम्हारे ऊपर आएगा। सर कैसे करेंगे इसको डेप्रिशिएट बताऊंगा, होला हाथ रखो। फिर बोलता है हैंगर्स फॉर एयरक्राफ्ट हैव बीन इन यूज सिंस जुलाई 1st 2000। सर ये हैंगर्स क्या होते हैं, हैंगर्स पता है किसी को, पता है हैंगर्स फॉर एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? कभी लफ्ज सुना है जहाज यहां लंगर अंदाज होते हैं? पार्किंग, पार्किंग आसान सी जबान में अदनान ने शॉर्ट एंड स्वीट बात बता दी सर, पार्किंग। यार वो बोलते हैं ना कि जहाज लंगर अंदाज हो रहे हैं, तो वो बाकायदा उनकी जो है ना एक अलग से एक स्पेस बनी हुई होती है, एक अलग से पार्किंग स्पेस बनी हुई होती है, तो बाकायदा उनके लिए एक मैकेनिज्म होता है, तो वो जो जगह होती है उसको आप हैंगर्स बोलते हैं। तो सर कुछ हैंगर्स से जाहिर सी बात है आपका पीपी है, आपने 1st जुलाई 2000 से यूसेज में है, द टोटल कॉस्ट ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन वाज 20 मिलियन, 20 मिलियन की कॉस्ट थी, एंड द टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 20 इयर्स, और इनकी यूजफुल लाइफ जो है 20 साल थी। पार्किंग 50 रुपया, अच्छा एयरक्राफ्ट के थोड़ा ऊपर आ जा। अच्छा जी फिर बोलता है फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स कॉस्टिंग रुपीज 13 मिलियन, 7 मिलियन एंड 4 मिलियन वर अक्वायर्ड ऑन 1st जुलाई 2000, 1st जुलाई 2002 एंड 1st जुलाई 2005। बोलता है फर्नीचर एंड फिक्स्चर जो है आपने 13 मिलियन के 7 मिलियन के और 4 मिलियन के आपने जो है अक्वायर किए 1st जुलाई 2000 को, 1st जुलाई 2002 को और 1st जुलाई 2005 को, सही है। फिर बोलता है 10 व्हीकल्स वर टेकन ऑन फाइनेंस लीज ऑन 1st जुलाई 2005। सर ये फाइनेंस लीज क्या होती है, फाइनेंस लीज को तुम दफा दूर करो, तुम ये समझो कि भाई 10 व्हीकल्स आपने खरीदी। जब भी तुम फाइनेंस, सर ये फाइनेंस लीज होती क्या है आप बताएं तो, भाई फाइनेंस लीज एक्चुअली ये लीज का टॉपिक है IFRS 16 का, ये FR 2 में तुम मेरे साथ ही पढ़ोगे इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो। फाइनेंस लीज के अंदर होता ये है कि आप एसेट को इंस्टॉलमेंट पे खरीद लेते हो, आम फहम जबान में मैं बता रहा हूँ। जब भी लफ्ज फाइनेंस लीज लिखा हुआ हो तुम समझ लेना ये ऐसा ही है जैसे हमने खरीदा है, सही है। 1st जुलाई विद अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 मिलियन ईच, हमने 10 गाड़ियां खरीदी है 1st जुलाई 2005 को, साल के शुरू में 1 मिलियन ईच मतलब 10 मिलियन की गाड़ियां खरीदी। द कंपनीज पॉलिसी एज रिगार्ड्स टू डेप्रिसिएशन इज एज अंडर, लीज होल्ड लैंड को स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करता हूँ, इंजीनियरिंग प्लांट एंड मशीनरी को मशीन आर्ट्स पे डेप्रिशिएट करता हूँ, हैंगर्स को स्ट्रेट लाइन मेथड पे करता हूँ, फर्नीचर एंड फिक्चर्स को WDV मेथड पे करता हूँ, और लीज व्हीकल्स को WDV मेथड एट द रेट ऑफ 20% पे करता हूँ। तो सर ये पूरा सवाल हमने डिस्कस कर लिया है, अगर किसी के दिमाग में थोड़े से भी कीड़े हैं इस सवाल से रिलेटेड मुझसे बात करो, वरना हम इसको सॉल्व करें। किसी के दिमाग में थोड़े से भी कीड़े हैं बात करो प्लीज, मुझसे बात करो। आगे बढ़े। अब सर मैं चाहूंगा आप लोग कुछ ना करो, सुकून से इस सवाल को देखो, मैं अटेम्प्ट कैसे करता हूँ, ठीक है ना, सुकून से देखो। ये सवाल मजे का है, इंटरेस्टिंग है, इसमें तुम्हें मजे मजे की चीजें पता चलेंगी, क्वेश्चन को सामने रखना अपने पास, सही है। Solution to Messrs.
जल्दी से बताओ कौन सा मॉडल यूज करते हैं हम। मुझे बताते हो कौन कौन सा पीपी है, कितनी क्लासेस है मुझे बताते हो। इंजीनियरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट सर, हैंगर्स मैं शॉर्ट फॉर्म आप लोग नहीं कर सकते, सही है ना? मैं टाइम बचाने के शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कर सकते। आर्ली मेथड में जो है, आर्ली मेथड के अंदर कितना है, एक तो मेरे ख्याल से 60,000 है जो आपका चलता हुआ आ रहा है, और नए जो खरीदे हैं उसके 30,000 आर्स हैं। ऐसा ही है ना? जो ऊपर अगर तुम देखो सवाल में, तो जो उसकी लाइफ है वो 60,000 है, मगर जो नए खरीदे हैं उनकी 30,000 है। ऐसा ही है, हैंगर्स की लाइफ कितनी है? 20 years। फर्नीचर एंड फिक्स्चर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। सर क्लियर है आप लोगों को? आर वी क्लियर ऑन दिस? आगे बढ़े, इसकी तस्वीर लेके चाहो तो ग्रुप पे डाल दो जल्दी से, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। शुक्रिया अदनान। अच्छा सर, आई एम श्योर आप लोगों ने इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दी है। अब सर मैं जो मेन एरिया है, लेट्स सॉल्व दैट 4.2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। स्केड्यूल या फिर इसको मूवमेंट भी कहते हैं। अच्छा सर, अब जल्दी से बताओ मुझे, अच्छा कौन कौन सी हैं? एक तो है लैंड,
मेरी हेल्प करोगे आप लोग? लीज और लैंड है, अच्छा रुपीज इन थाउजेंड थाउजेंड खेल लें, रुपीज इन थाउजेंड थाउजेंड खेल लें, व्हाट डू यू से? एंगर्स एफएनएफ, बिल्कुल ऐसा है, वो लीज में लिख देता हूँ। सही है ना? सर ये फॉर्मेट बन गया है, कोई सवाल? सर फॉर्मेट में कोई सवाल? अच्छा सर, अब सवाल पे अगर आप जाओ, सवाल पे क्वेश्चन पे जाओ, तो एक एक करके हम लोग पिक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड पे, सही है ना? अच्छा अब मैं क्या करूंगा सर, डेप्रिसिएशन को साथ क्यों नहीं लिखा? कहाँ? हाँ ना अदनान, अलग अलग बनता है ना, कॉस्ट अलग बनती है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग बनता है ना मेरी जान। अच्छा यार चूंकि ये बड़ा लेंदी सवाल है, तो अगर तुम लोग इजाजत दो तो मैं पहले पूरे लैंड को किल करूं, लैंड को पहले किल करते हैं, फिर इंजीनियरिंग को किल करते हैं। अदनान तेरे सवाल समझ में नहीं आया अदनान मेरी जान, अगर भले माइक खोल के, सही है ना, पहले मैं एक एक करके पूरे पूरे उसको जो है वो किल करता रहूंगा, सही है ना, उससे तुम्हें समझ में भी आएगा। अदनान तेरा सवाल मुझे अगर रिपीट कर दे। अच्छा अगर लैंड के बारे में तुम देखो, बोलता है द कंपनी अक्वायर्ड लैंड, डन ब्रो डन। अब मैं सबसे पहले लैंड को किल करूंगा पूरा शुरू से लेकर एंड तक, फिर मशीनरी को किल करूंगा, फिर मैं हैंगर्स को, फिर फर्नीचर एंड फिक्स्चर को, और फिर व्हीकल्स को पूरा पूरा। बोलता है हमने एक लैंड खरीदा है 1 जनवरी 1999 को 200 मिलियन का, और इसकी लाइफ है 99 साल। अच्छा अगर तुम एक बात नोट करो तो 1999 से आज तक कोई भी एडिशन नहीं हुआ। अच्छा सर सबसे पहले तो हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग 30 जून 2006 का बना रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस कब का होगा? 1 जुलाई 2005। मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी होगी ओपनिंग? अच्छा मैं रुपीज इन थाउजेंड थाउजेंड खेल रहा हूँ, तो मेरी जो कॉस्ट होगी वो होगी 2 लाख, 200 मिलियन है ना, तो मतलब कॉस्ट होगी 2 लाख, ये ओपनिंग कॉस्ट है। आप भी जानते हो जमीन में कोई भी एडिशन नहीं हुआ है, तो क्लोजिंग भी कितनी आ जाएगी कॉस्ट? 2 लाख। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सबने जवाब देना है, देखो ये बहुत मजे का क्वेश्चन है। अच्छा अब सर अगर तुम एक बात नोट करो, तुम्हारे पास सवाल में अभी तक जो है वो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए हम वर्किंग कर लेते। मैं इधर लिख देता हूँ वर्किंग वन,
लैंड का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग निकालने के लिए बहुत गौर से देखेंगे। वर्किंग वन ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ लीज होल्ड डेट। अच्छा सर, अगर तुम एक बात नोट करो तो ये हमने खरीदा कब है, हमने 1 जनवरी 1999 को खरीदा है। अच्छा, मेरे लिए जो ओपनिंग है वो कब से कब तक का है? 1 जनवरी 1999 से लेके 30 जून 2005 तक का, क्योंकि 1 जुलाई 2005 से 30 जून 2006 तो आपका करंट ईयर है ना। तो सर जल्दी से मुझे बताओ, 1 जनवरी 1999 से 30 जून 2005 तक ये कितने साल बनते हैं, जल्दी से बताओ। सर 1999 6 महीने, 2000 2001 2002 2003 2004 2005, तो सर ये आपके बनते हैं 6 साल और आधा साल, 6.5 साल। 1 जनवरी 1999 से 30 जून 2005 तक 6.5 साल। अरे सर आपको तो बनानी 30 जून 2006 तक की है मेरी जान, वो तो ड्यूरिंग द ईयर है ना। अभी तो मैं 1 जुलाई 2005 साल के शुरू तक का निकाल रहा हूँ, तो आपको पता चला 6.5 साल हैं। सर कैसे आया? सर नहीं समझ में आया, हम नन्हे काके। देखो बेटा 1999 के 6 महीने आधा साल हो गया। अब 1 जुलाई 1999 से 30 जून 2001 साल, 2001 दूसरा साल, 2002 तीसरा साल, 2003 चौथा साल, 2004 पांचवा साल, 2005 छठा साल, सही है। और 6 महीने और 2 लाख डिवाइडेड बाई 99, तो 1 साल की आ गई। तो सर आपको कितने साल से? 6.5 ईयर्स से। तो जल्दी से बताओ कितना आता है बच्चों, कितना आता है? 13,131, ऐसा ही है। कैलकुलेटर ले लो बस। और अगर तुम अरे इजाजत हो तो लगे हाँ तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर भी निकाल लूं। जी सर ये भी निकाल लें। 2 लाख डिवाइडेड बाई 99 कितना साल? 1 साल, तो कितना आ रहा है? 2020। मानते हो या नहीं मानते बोलो ना। अच्छा सर इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। ओपनिंग में आ रहा है 13,131, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है 2020, डिस्पोजल कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग कितना आ रहा है बच्चा लोग, जल्दी से बताओ क्लोजिंग कितना आ रहा है? ऐसा ही है। अब सर क्लोजिंग कॉस्ट में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्लोजिंग WDV या क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 184,849। और ओपनिंग बीवी कितनी आ रही है? ओपनिंग बीवी कितनी आ रही है? ओपनिंग बीवी कितनी आ रही है? 186,869। मानते हो या नहीं मानते बच्चों, मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े, कोई फतूर, किसी के दिमाग में कोई भी सवाल हो मुझसे बात करो। जी बिल्कुल अदनान, ये लेस होगा मेरा बच्चा, ये लेस होगा ना अदनान। देख कॉस्ट थी तेरी, ओपनिंग कॉस्ट थी 2 लाख, इस ओपनिंग में से तूने ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो यू गॉट ओपनिंग बीवी, और तूने इस क्लोजिंग कॉस्ट में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो यू गॉट क्लोजिंग बीवी, सही है मेरी जान।
आगे बढ़े आगे बढ़े। सर आगे बढ़े, कोई सवाल, कोई फतूर, कोई कीड़े? अच्छा सर, अगर आपकी इजाजत हो तो इंजीनियरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट को किल करें। अब बोलते हैं इंजीनियरिंग मशीनरीज वर अक्वायर्ड ऑन 1st अप्रैल। अच्छा चलो WDV बोल देते हैं। इंजीनियरिंग मशीनरीज वर अक्वायर्ड ऑन April 1st, 2000 फॉर ₹330 मिलियन एज अ रिजल्ट ऑफ एनुअल चेकअप। सर्टेन पार्ट्स वर रिप्लेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ $50 मिलियन ऑन 1st जुलाई 2005। सर हमने कुछ मशीनरीज थी जो 2000 में अक्वायर की थी 330 की, और 1st जुलाई 2005 को हमने कुछ रिप्लेस की है, नई मशीनरी खरीदी है 50 की और 20 की मिलियन की मशीनरी हमने बेची है। तो मुझे बताओ 1st जुलाई 2005 को तुम्हारी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 1st जुलाई 2005 को तुम्हारी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? सर वो तो थे 330 मिलियन, क्योंकि आपने 1st जुलाई 2005 तक सिर्फ एक एसेट खरीदा था, वो 330 मिलियन की मशीनरी खरीदी थी, एक सौ क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड है तो 330,000 एक साथ लिखा। सर वो 50 मिलियन और 20 मिलियन, अरे भाई वो तो ड्यूरिंग द ईयर है ना, वो तो ड्यूरिंग द ईयर है ना। अब ये बोलता है कि सर आपने 1st जुलाई 2005 को, अरे सर पहले दिन, तो पहले दिन मेरी जान ओपनिंग थोड़ी होता है, एडिशन है ना, 1st जुलाई 2005 को आपने कुछ पार्ट्स रिप्लेस किए थे 50 मिलियन के, और वो जो नए पुराने पार्ट्स आपने दिए थे उसकी कॉस्ट थी 20 मिलियन। तो सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 50 का एडिशन दिखा दूं और 20 का डिस्पोजल दिखा दूं कॉस्ट। अरे सर इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालता हूँ, होला हाथ रखो, पहले कॉस्ट तो समझो। 330 साल के शुरू में था, 50 के आपने नए पार्ट खरीदे, 20 के आपने पुराने पार्ट बेचे, अभी मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपका कितना आ गया 360,000। क्लियर है यहाँ तक? सुकून से चलेंगे, कोई नहीं भागेंगे, सुकून से चलेंगे। आगे बढ़े। अरे सर डिस्पोजल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालता हूँ, पहले कॉस्ट समझ लो, जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ आप लोग सर मेरे साथ हो। आमना का सवाल है कि सर इसमें यूजफुल लाइफ के बारे में क्यों लिखा है, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर सको। अच्छा सर अब सवाल ये पैदा होता है कि सर डेप्रिसिएशन ओपनिंग है, अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। सर डेप्रिसिएशन तो आप कैलकुलेट करो ना इसका ओपनिंग, पहले ओपनिंग करो, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करो, फिर डिस्पोजल करो, तो सर कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम वही चीज करते हैं जो लैंड के साथ किया, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। मेरे साथ रहेंगे वर्किंग थ्री, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इंजीनियरिंग प्लांट एंड मशीनरी। सर ओपनिंग कब से कब तक है, सर आपने खरीदा कब था? खरीदा था आपने 1st अप्रैल 2000 को, ये जो 330 खरीदे हैं 1st अप्रैल 2000 को खरीदे, 1st अप्रैल 2000 से लेके 30 जून 2005 तक का ये ओपनिंग है। अच्छा अब अगर तुम आमना, हम इसको मंथ्स में कर लेते हैं मेरी बच्ची। अच्छा अगर तुम एक बात नोट करो तो सवाल में ये बोलता है कि इसकी जो लाइफ है ना, टोटल लाइफ, ये जो मशीनरी है इसकी जो लाइफ है वो है 60,000 आवर्स, और एवरेज यूसेज पर मंथ जो है वो है 500 आवर्स, और एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू जो है वो 10% ऑफ कॉस्ट है। तो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने आर्ली मेथड को हल्के में लिया था, मैं लिख देता हूँ आर्ली मेथड का फॉर्मूला, ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में लिख रहा हूं। जी तला मेरी बच्ची, मेरी जान,
सर ये फॉर्मूला है। अब सर मुझे 1 अप्रैल 2000 से लेके 30 जून 2005 तक का जो है वो डेप्रिसिएशन निकालना है जिसको मैं बोल सकूं ओपनिंग। अच्छा सर मुझे बताओ अगर आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो जल्दी से बताओ कॉस्ट कितनी है। 3,30,000। और खुद बोल रहा है जो सेल्वेज वैल्यू है वो है 10% ऑफ कॉस्ट। तो 10% ऑफ कॉस्ट कितनी होती है? 3,30,000 का 10% कितना होता है? 33,000। ऐसा ही है ना, 3,30,000 का 10% बोलो तो लिख के दे देता हूँ। अच्छा यूजफुल लाइफ कितनी है टोटल? 60,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ आवर्स। सर ये नंबर ऑफ आवर्स कैसे आएंगे? तो बच्चों मैं तुम लोगों को बच्चों की तरह इधर बता देता हूँ। आवर्स यूज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 टू 30 जून 2005। जल्दी से बताओ, एक महीने के होते थे 500 आवर्स। जल्दी से बताओ 1 अप्रैल 2000 से लेके 30 जून 2005 कितने महीने होते हैं? सर अप्रैल मई जून ये तो आपका 2000 के कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? 2000 के 3 महीने। अब 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 कितने हो गए? 5 साल। 1 साल में 12 महीने तो 5 साल में 60 महीने और 3 महीने जो है वो 2000 के। हम खत्म गर्म वो ओवन में करो, ये मैं खुद कर लूंगा, आप सो जाओ। अच्छा तो सर यार अम्मा आगे टेम्पो तोड़ दिया पूरा। आओ जो है क्या कहते हैं, समझ गए ना तुम? 63 महीने हो गए ना, 63 मंथ्स हो गए ना। नहीं समझे? तो ये कितने हो जाते हैं? 31,500। बताओ कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है? जल्दी से बताओ कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है? ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है बोलो ना। सही है, खुश हो? यही आ रहा है? अरे भाई बता दो यार। तुम्हें पता है, आई डोंट नो, एक मैं बड़ी बात बताऊं कि यानी अभी आजकल की जो ब्रीड है ना वो पता नहीं इतनी ठंडू क्यों है। हम अपने जमाने में ना हम प्रो चलते थे, टीचर बता रहा होता था, हम हाथ से कैलकुलेट कर रहे होते थे, हम छाप नहीं रहे होते थे। अब तुम लोग पता नहीं कहाँ मरे पड़े होते हो, चरस पी के, भंग पी के, पता नहीं तुम लोगों का दिमाग कहाँ होता है। बोलते रहो, पूछते रहो, भाई बता दो, भाई बता दो, भाई बता दो, बताते ही नहीं हो, हड़ आराम। यानी जो अच्छे बच्चे हैं वो भी जो है सरप्राइज करते हैं मुझे कभी कभी, बल्कि आजकल तो हर दफा कर रहे हैं। सही है, आ रहा है। इसको मैं ओपनिंग में लिख दूं? नहीं ना बेटा, मेरी जान मिलियन है ना, ये एक्चुअली 155 मिलियन है। हम रुपीज इन थाउजेंड खेल रहे हैं ना, चला मेरी जान 155 9 to 5, दिस इज रुपीज इन थाउजेंड। सर ये मैं ओपनिंग में लिख दूं? भाई छापने का बिल्कुल टाइम दूंगा। हाँ ना, तो वो अमाउंट भी मेरी जान बड़ी बड़ी है ना। क्लियर है सर ओपनिंग? अब सर डेप्रिसिएशन निकालें। अच्छा उससे पहले जो डिस्पोजल हुआ है ना उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। जो डिस्पोजल हुआ है उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं वर्किंग फोर, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक साथ निकालेंगे। भाई ये डिस्पोजल हुआ है ना तो इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकालना होगा ना, डिस्पोजल से रिलेटेड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सर आओ वर्किंग फोर,
accumulated depreciation of disposals of engineering plant and machinery. सही है सर, याद है ना 20,000 का डिस्पोजल हुआ था। अच्छा सर डिस्पोजल कब हुआ है? 1 जुलाई 2005 को। तो आओ इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 20,000 माइनस सेल्वेज वैल्यू 2,000 डिवाइडेड बाय 60,000। सर ये भी कितना चला है? सर ये भी जो है जल्दी से बताओ, आर्स यूज्ड ये हमने खरीदा था, कब खरीदा था? 1 अप्रैल 2000 को जब सब खरीदा था। 1 अप्रैल 2000 से लेके 3 जून, 1 जुलाई 2005 को बेचा है ना, 1 जुलाई 2005 को बेचा है, तो 3 जून 2005 तक का कितने महीने आ रहे हैं सर? 500 आवर्स पर मंथ इनटू कितने महीने? 63 मंथ्स। अभी ऊपर निकाला है 31,500। जल्दी से बताओ कितना आएगा? 9,450। अरे भाई ये 20,000 वाला जो हमने डिस्पोज किया है ये वो है ना, खत्म कर लो, क्लियर है तो बताओ फिर आगे बढ़। हजम कर लो, डकार ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर अब इसकी मैं ऊपर पोस्टिंग कर लेता हूँ। सर डिस्पोजल में आप लिख दो 9,450। सही है। अच्छा सर अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की बारी है, इसके लिए मैं कर लेता हूँ वर्किंग फाइल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालें तो तैयार हो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालने के लिए? हाँ अदनान पूछो मेरी जान। सर 330 की डेप्रिसिएशन में डिस्पोजल ऐड नहीं है, तभी तो निकाल रहे हैं, एडेड है तभी तो निकाल रहे हैं। कायनात का बड़ा अच्छा सवाल है कि सर 330 में वो डेप्रिसिएशन जो है डिस्पोजल की बिल्कुल बिल्कुल एडेड है तभी तो निकाल रहे हैं। नहीं ये लेस नहीं हुआ है अदनान, ये इस ओपनिंग में शामिल है, 155 में शामिल है, तो हम इस ओपनिंग में से 9,450 को निकाल रहे हैं, ये माइनस हो रहा है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से। सही है कायनात और अदनान, ये निकाल रहे हैं क्योंकि हमने बोला भाई जब कॉस्ट निकल रही है, हमने बोला भाई 330 तुम में से ये 20 निकल रहा है, हाँ तो इसीलिए तो उस डेट। अरे मेरी जान ये वही वाली बात है ना। अच्छा जब अदनान मेरी जान चलो अगर तुम नहीं निकालोगे तो पता है होगा क्या, कॉस्ट हो गई जीरो, तुमने कॉस्ट निकाल दी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा होगा तो ये अजीब सी बात होगी कि कॉस्ट तो निकाल दी है मगर उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है। भाई जब कॉस्ट रिवर्स कर रहे हो तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो निकालोगे ना, रिवर्स करोगे ना। सही है ना। अच्छा सर अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं। भाई सब बच्चे बताओ आगे बढ़े, आगे बढ़े। आज आज का डोज शायद लगता है हेवी हो गया है थोड़ा। वर्किंग फाइव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, फर्स्ट जुलाई 2005 से 3 जून 2006। सही है। अच्छा मुझे बताओ प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है हमें पता है, तो सर प्रोपोर्शनेट के अंदर आप क्या करते हो? ओपनिंग और एडिशन अलग अलग, और ओपनिंग के भी दो टुकड़े, वो हिस्सा जो डिस्पोज हो गया और वो हिस्सा जो रिमेनिंग रहा। सही है ना, ये हमने पढ़ा था ना डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट पॉलिसी के अंदर मंजन भाई मारफानी में जो हम लोग मूवमेंट करते थे, याद है ना तुम लोगों को? तो सर आओ सबसे पहले ओपनिंग निकाल लेते हैं। अब ओपनिंग के दो टुकड़े हैं, एक तो डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर। जल्दी से बताओ जो डिस्पोज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उससे रिलेटेड ड्यूरिंग द ईयर कितने मजे लिए?
जो ड्यूरिंग द ईयर 1 जुलाई 2005 को डिस्पोज हुआ है उससे रिलेटेड ड्यूरिंग द ईयर कितने बेनिफिट्स लिए हैं, जल्दी से बताओ। जो डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर हुआ है 20,000 का डिस्पोजल हुआ है ना, उससे रिलेटेड 2006 में कितने मजे लिए, जल्दी बताओ ना यार। जो डिस्पोज हुआ है 20,000 का उससे रिलेटेड 2006 में कितने बेनिफिट्स लिए उस... नहीं आयशा, नहीं मेरी बच्ची, 2006 में जीरो बेनिफिट लिया है। क्यों? क्योंकि सर वो साल के शुरू में ही बेच दिया है, वो तो 1 जुलाई 2005 को बेच दिया है। हम 2006 का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं आयशा मेरी बच्ची, जो 9,450 है वो 2006 से पहले का है। 2006 में इसके कुछ भी मजे नहीं लिए हैं क्योंकि 1 जुलाई 2005 को बेच दिया है। अच्छा अब निकाल लेते हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग जो है वो कितने सर? टोटल थे ओपनिंग 30,000, उसमें से 20,000 के ऊपर आपने अलग से ले लिया है 20,000, ये डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर 20,000 था ना, तो इधर से माइनस करो, सही है ना? बल्कि मैं इधर लिख देता हूँ 10,000। सर ये कैसे आया 30? माइनस 20,000,000, ये 3,10,000 ऐसे आया, सही है। और इसके ऊपर सेल्वेज वैल्यू, डिवाइडेड बाई 60,000, कितने महीने मजे लिए? 1 जुलाई 2005 से 30 जून 2006 तक 12 महीने, 500 hours इंटू 12 months, निकालो कितना आ रहा है, निकालो कितना आ रहा है, जबरदस्त सदनान। तो अल्लाह का शुक्र है ये ओपनिंग हो गया। अब एडिशन याद है ना, 50,000 का एडिशन हुआ था। अच्छा मजे की बात ये है, जो 50,000 का एडिशन हुआ है उसके ऊपर भी भाई सेल्वेज वैल्यू 10%, तो ये 5,000। अब इसकी जो लाइफ है, अगर तुमने सवाल देखा हो, अगर तुम्हें सवाल याद हो, तो ये जो नया एसेट है उसकी जो न्यू पार्ट्स की लाइफ है वो लिखा हुआ है 30,000। ये हाथ देख रहे हो ना, नजर आ रहा है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे 30,000 से। सर कितने महीने मजे लिए इसके? वही पूरे 12 महीने, क्योंकि साल के शुरू में जो है नौ। सर टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है? 36,000। खुशो हजम कर लो तो फिर ऊपर डालू, हजम कर लो तो फिर ऊपर डालू, सब मैसेज करेंगे। तेज तो नहीं जा रहा, टोटल करके बताओ, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल करके बताओ, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल करके बताओ।
अभी भी बताऊं। अभी छापो नहीं, अभी सुकून से सिर्फ कैलकुलेट करो। मैं तुम्हें 10 नहीं 20 मिनट दे दूंगा छापने। ओपनिंग बीवी बताओ। आगे बढ़े। आगे बढ़े। कोई सवाल प्लीज हजम कर लो सुकून से, मैं कोई जल्दी में नहीं हूं, सुकून से हजम कर लो। अच्छा सब जल्दी से मुझे मैसेज करके बता देंगे कि आप लोग सब मेरे साथ हो दिमागी तौर पे। अच्छी बात, अच्छी बात, थैंक यू। अच्छा सर, अब हम हैंगर्स पे बात करते हैं। आयशा, ईशा तुम लोग गायब हो, लगता है नेपाल गए हुए हो शेयर करने। कायनात बुखारी, सारा तुम भी लगता है गायब हो। बोलता है हैंगर्स फॉर एयरक्राफ्ट have been in use since 1st July 2000. The total cost of their construction was Rs. 20 million and estimated useful life is 20 years. ठीक है ना? Sir, hangers हमने 1st July 2000 को जो है वो हमने खरीदे थे 20 million के और उनके ऊपर फिर कोई addition नहीं हुआ है, right? सही है ना? उनके ऊपर फिर कुछ एडिशन नहीं हुआ है, तो ये बड़ा आसान सा है। जल्दी से बताओ ओपनिंग कॉस्ट कितनी है, ओपनिंग कॉस्ट कितनी है, कितने के खरीदे थे जरा बताओ। 20,000। कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, क्लोजिंग भी 20,000 हो गई। सर ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग 6 कर लेते हैं। सर कोई डिस्पोजल नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए वर्किंग 7 कर लेते हैं। सही है ना? वर्किंग 6 और वर्किंग 7 साथ कर लेते हैं। कब से कब तक का सर? क्लियर है आप लोगों को ये वर्किंग? क्लियर है आप लोगों को ये वर्किंग? ये तो बड़ी सिंपल सी है हैंगर्स वाली। हजम हो गया, हजम हो गया। आगे बढ़े।
जल्दी से बैलेंस करके बताओ। ओपनिंग बीपी बताओ। आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो फर्नीचर एंड फिक्स्चर पे अगर तुम बात करो, फर्नीचर एंड फिक्स्चर पे अगर तुम बात करो तो ये बोलता है फर्नीचर एंड फिक्स्चर कॉस्टिंग रुपीज 13,704,000 पर अक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2002 एंड 1 जुलाई 2005। हमने साल के शुरू में ओपनिंग में हमारे पास कितने थे? एक तो 1 जुलाई 2005 को ओपनिंग में थे 13 और 7 20। वो जो 4 मिलियन है वो तो इस साल खरीदे ना 1 जुलाई 2005 को। ओपनिंग कितना हो गया? 20,000। सर ये 20,000 कैसे आया भाई? 13,000 और 7,000। तो सर वो जो 4,000 थे वो भी तो भाई वो ड्यूरिंग द ईयर है 1 जुलाई 2005। 4,000 कोई डिस्पोजल हुआ है? नो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लें। व्हाट यू से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लें। व्हाट यू से वर्किंग 8 और वर्किंग 9 एकेसेट हमने खरीदा था 2000 को, सही है ना? जी बिल्कुल, मगर थोड़ी सी लेट सेंड करूंगा। तो सर 1 जुलाई 2000 को अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें कुछ शॉर्टकट्स बताए थे, अगर तुम्हें याद हो तो, सही है ना? याद है ना मैंने तुम्हें बुक वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट बताया था? बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट कितनी थी इस एसेट की? इस एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 13,000। अच्छा मुझे बताओ बुक वैल्यू का एक फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट इनटू यूजफुल लाइफ। फॉर्मूला बताया था ना?
नंबर ऑफ इयर्स यूज्ड, फॉर्मूला बताया था ना सर, बुक वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है 13,000, डेप्रिसिएशन रेट कितना है 10%। जल्दी से बताओ 2000 से लेके 2005 तक कितना, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 5 साल की पावर 5, तो बताओ बुक वैल्यू कितनी आती है। ये हमने शुरू में बेसिक्स में पढ़ा था ना, बुक वैल्यू कितनी आती है, सर फॉर्मूला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या है, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, 13,000, बताओ ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 5,324। कोई एक बच्चा भी बोल दे नहीं सर हम तो नन्हे काके हैं, हमें 5 सालों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल पाओ फिर सबको ऐड करो, तुम वैसे भी कर सकते हो सर, वैसे करके दिखाएं यार, उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी तुम्हें भेजा हुआ है, उसमें डिटेल में बच्चों की तरह करके दिखाया हुआ है, वहां से देख लेना, अगर तुम लोग इंसिस्ट करते हो तो मैं बच्चों की तरह निकलवा के दिखाता हूँ। दूसरा एसेट कब खरीदा था, 2002 को, कॉस्ट कितनी है 7,000, वही हरकत यहाँ करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ 7,000 पर माइनस 10%। जल्दी से बताओ 2002 से 2003, 2004, 2005, 3 साल होंगे, हाँ 3 साल होंगे, बताओ कितने आ रही है बुक वैल्यू, 1 जुलाई 2002 से 30 जून 2005 तक का कहाँ, ये तो 3 साल बनता है ना, 2003 2004 2005, 1 जुलाई 2002 को खरीदा है ना तुम्हारा ईयर एंड 30 जून 2000 है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, सेकंड ले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल लें, आओ सर ये तो बड़ा आसान है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जुलाई
से। अच्छा आपको पता है यहाँ भी दो टुकड़े होते हैं, ओपनिंग डिस्पोजल तो कोई है नहीं, ओपनिंग और एडिशन। सबसे पहले तो ओपनिंग पे निकाल लेते हैं सर। ओपनिंग आपको पता है टोटल कितना है, कॉस्ट कितनी है, 7 और 13 20,000 यही कॉस्ट थी ना टोटल, 7 और 13 20,000 यही था ना ओपनिंग 20,000। सर ये कैसे आया भाई, एक तो 2,000 में खरीदा है 13,000 का और एक 2,002 में खरीदा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी है 20,000। उसके ऊपर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 7221, उसके ऊपर 10% बताओ कितना आ रहा है। इसके बाद एक एडिशन हुआ है, एडिशन कितने का हुआ है 4,000 का साल के शुरू में, कोई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं। मानते हो या नहीं मानते, मानते हो या नहीं मानते, हजम कर लो, हजम कर लो इफ यू वांट। करके बताओ जल्दी से, तो सर अब आखिरी चीज 20 रोल मोटर व्हीकल कर लेते हैं। इसके बारे में ये बोलता है 10 व्हीकल हमने खरीदी थी साल के शुरू में 1 मिलियन की ईच, और उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो कितनी है 20% डिक्लाइनिंग है। पहले साल में तो स्ट्रेट लाइन हो या WDV हो आंसर सेम रहता है, ओपनिंग कुछ भी नहीं है। सर एडिशन हुआ है कितने का, 10,000 का, 10 व्हीकल खरीदी है ना सर, अगर 1 मिलियन की एक है तो जो है 10 कितने की भी 10 मिलियन की रुपीज इन 1000 10,000, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकलेगा, इसके लिए वर्किंग प्लान कर लेते हैं। डिस्पोजल कुछ भी नहीं है, मानते हो या नहीं मानते। जल्दी से टोटल बताओ,
जल्दी से टोटल बताओ। पांच सत्तर आ रहा है बेटा, पांच सत्तर आ रहा है ना बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तस्वीर ले लो इसकी, कॉपी करने हैं सुकून से कॉपी कर लो। मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, सुकून से कॉपी कर लो। सर पेपर के अंदर मैक्सिमम कितने टाइम में हो जाना चाहिए? ये पेपर में देखो, इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स एक्चुअली। अगर तो ये जो आया था ना, ये 25 मार्क्स का आया था, तो ये 40 मिनट में मैक्सिमम हो जाना चाहिए था। सर अभी आपने जो है खुद एक डेढ़ घंटे में करवाया है, ऑब्वियसली वो मैंने स्लो स्लो करके एक एक बच्चे को जो है वो डिटेल में लेके चला हूँ, ठीक है ना। तो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, अगेन देखो इसका एक ही हल है, कोई मंजन काम नहीं आएगा, सिर्फ एक मंजन काम आएगा, यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। मैं शायद जो है ये 100वीं या 150वीं दफा करवा रहा हूँ सर। अगर ये 40 मार्क्स का करेंगे तो बाकी मतलब और भी सवाल होंगे ना, 3 घंटे पेपर होता है ना, कितने घंटे पेपर होता है? 3.25 घंटे का। देखो अगेन हम लोग ये बात करते हैं कि आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा बता दूँ। अभी मैं वर्कशॉप करवाऊंगा तो इंशाल्लाह उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी देखो यार, आप जो है ना पहले एक चीज समझो, मैं चूंकि तुमने सवाल किया है तो मैं जवाब दे देता हूँ। देखो पेपर जो है ना वो तुम्हारा 3.25 घंटे का होता है, उसमें से 15 मिनट तुम्हें पढ़ने को मिलते हैं और 3 घंटे अटेम्प्ट करने को मिलते हैं, सही है ना। ओपनिंग बुक वैल्यू का टोटल बता दो इसमें, ऑब्वियसली किसी ने बताया नहीं,
वही जो है कोई बताता नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, बता दो तो लिख देता हूँ। तो सर 3 घंटे में तुम्हें अटेम्प्ट करना होता है 3887233। अच्छा देखो 3 घंटे की अगर तुम बात करो ना, अहमद ने चूंकि सवाल किया है तो मैं थोड़ा सा पेपर के हवाले से, 3 घंटे 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितने होते हैं 180 मिनट, ऐसा ही है जी बिल्कुल। अब सर आपका कितने मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है जी सर बिल्कुल। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई तुम जो है ना एंड के 20 मिनट निकाल दो, एंड के 20 मिनट रिवीजन के लिए रखो, तो तुम्हारे पास कितना बच गया 160 मिनट्स। ये बाकायदा बाकायदा आर्ट है ये जो है ना, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको अगर करोगे ना तुम्हारा 90% चांसेस है कि तुम्हारा हर पेपर पास होगा अगर तुम इस तरीके को ऑप्ट करते हो। 20 मिनट ये मैंने रिवीजन के लिए निकाला, सही है, 160 मिनट अगर इसको तोड़ दो 100 मार्क्स के लिए, तो तुम्हें हर एक मार्क के लिए कितना मिनट एलोकेट करना है, 1.6 मिनट्स। यानी अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तुम्हें उसको मैक्सिमम टाइम कितना देना है, 16 मिनट। अगर एक क्वेश्चन तुम्हारा 20 मार्क्स का है तो मैक्सिमम तुम्हें कितना टाइम देना है, 32 मिनट। अगर एक क्वेश्चन तुम्हारा 30 मार्क्स का है तो तुम्हें मैक्सिमम टाइम कितना देना है, 48 मिनट्स। सर अगर इस टाइम में नहीं होता तो हम क्या करें, छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें 100 में से 100 नहीं चाहिए, 100 में से 50 चाहिए। जो सबसे बड़ा हम लोग भंड मारते हैं पेपर में, जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट इशू, वो ये करते हैं कि एक ही सवाल पे लगे पड़े ना, जब उस सवाल पे जब कर लेते हो तो पता चलता है 1.5 घंटा निकल चुका है एक ही सवाल पे, तो फिर तुम्हारी फटती है। तो आखिर के 1.5 घंटे में जब तुम्हें 7 सवालात करने होते हैं तो फिर तुम परेशान हो जाते हो। जब तुम इस मैकेनिज्म से, याद रखो जो टाइम एलोकेट किया है उतना टाइम दो, फिर छोड़ दो, आगे बढ़ो। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, जवाब के मार्क्स भी होते हैं, मगर स्टेप के मार्क्स भी होते हैं। अगर 10 मार्क का सवाल है तो सही जवाब का 1 मार्क होगा, बाकी 9 मार्क्स स्टेप के होंगे। अगर तुम इस मेथोडोलॉजी पर चलते हो तो तुम्हारा पूरा पेपर भी अटेम्प्ट होगा और आखिर में 20 मिनट रिविजन के लिए भी होंगे। अब तुम चाहो एमसीक्यू तुम्हारे 10 से 12 मार्क्स के आते हैं। मजे की बात यह है कि एमसीक्यू के अंदर ज्यादा टाइम तुम नहीं दो, तो तुम्हारा अगर 12 मार्क्स के होते हैं तुम्हें 20 मिनट लगते हैं, तो वो तुम 10 मिनट में कर सकते हो। तो अगेन देखो यार, सीएम करना मुश्किल नहीं है, जो लोग बोलते हैं ना वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, उनके खुद के साथ ज्यादती भी होगी, वो तभी ऐसी बात कर रहे हैं। सीए बहुत आसान है, बस तुमने उससे प्यार करना है, इश्क करना है। सीए पास करने का एक ही मंजन है, उससे इश्क करो जुनून की हद तक। सर इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर लेट से रात में 4 बजे तुम्हारी जान, मोहब्बत, प्यार, अपनी माँ की एग्जांपल ले लो ना, अगर माँ उठाएगी तो तुम उठोगे ना 4 बजे, ये तो नहीं बोलोगे ना कि यार मैं सो रहा हूँ माँ जा, या सो रही हूँ। तो वो जो 4 बजे तुम उठोगे ना और उठ के अपनी माँ की खिदमत करोगे या उसे ले जाओगे, तो यही इश्क, यही फीलिंग्स तुम्हारी सीए के लिए होंगी, तो तुम्हारा पेपर जो है ना आसानी से पास होगा। अगर ये वाला इश्क नहीं, अच्छा कुछ लोग इश्क करते हैं मगर गलत डायरेक्शन में करते हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब हमने पढ़ा है ना कि जब आप इश्क लड़ाते हो या प्यार मोहब्बत करते हो, सो डीप बट ट्रू, फुल फलसफी बन गया हुआ मैं। तो जो है क्या कहते हैं, इतना गौर से तुमने पूरे सवाल में नहीं सुना होगा जितना अभी सब अटेंटिव है। अब बाज़ोगात होता ये है कि जब आप इश्क लड़ाते हो या प्यार करते हो ना, डायरेक्शन गलत होती है। अब डायरेक्शन गलत होने का मतलब ये है कि भाई जो है आप सामने वाले को समझते नहीं हो। तो वही चीज सीए के लिए भी है।
अब सीए में जो है वो डायरेक्शन होना इज रियली इम्पोर्टेंट. एक है इश्क और उसको किस तरीके से प्यार मोहब्बत से पटाना है, सीए को लेके चलना है. लेकिन सीए एक तरफा प्यार है ना. हाँ तो खैर जो है क्या कहते हैं, कमिंग टू द पॉइंट, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन सर ये हमें कौन देगा, कि डायरेक्शन तुम्हारे टीचर देंगे. सही है. जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सी ए वन साइडेड लव, नो नो सी ए इज नॉट अ वन साइडेड लव, बिल्कुल भी नहीं. आज तुम देखो, अगर मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ कि मैंने जितनी मेहनत की, आज अल्लाह का शुक्र है आज जितना भी मेरा नाम है, प्रोबेबली आई एम द यंगेस्ट स्टूडेंट इन पाकिस्तान इन बैंकिंग इंडस्ट्री एज वेल एज मुदारबा इंडस्ट्री. तो आई थिंक आज मैं जहाँ भी जाता हूँ तो शायद अल्लाह ताला डायरेक्शन गलत हो तो क्या करें, और पता कैसे लगेगा, बहुत एक्सपीरियंस है आपको तो. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डायरेक्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज अ स्मार्ट वर्कर. तो जो है जजाकल्लाह तना. तो मेरी कोशिश थी, और अगेन मैं टीचर्स के साथ बड़ा कंसल्ट करता था, तो मेरी डायरेक्शन जो है वो सही रही अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह. तभी मैं जैसे तुम्हें बोलता हूँ कि मैं 22.5 साल की उम्र में क्वालिफाई कर गया था अल्हम्दुलिल्लाह. तो जो है अगेन तुम लोगों को जो है गाइडेंस में बिल्कुल, ये जो मैं तुम लोगों को बोलता हूँ पास पेपर्स का, स्टडी टेक्स्ट का, ये जो मैं तुम्हें क्लास में बता रहा होता हूँ, ये जो आज मैंने तुम्हें मार्क्स का बताया, सही है ना. तो चलो मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ, एक जरा सोचो, दिमागी तौर पर सोचो, या अगर थक गए हो तो फिर ऑफ करें, इसको बाद में बताऊं. नहीं बता दे सर, बता दे. अच्छा ये देखो, मैं तुम्हें एक आसान सी जो है ना थोड़ा सा ये जरा अभी ये देखो. चलो अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट योर एंथुसिएज्म. होता पता है क्या है, बच्चे क्या करते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, वो एक ही सवाल के पीछे जब पढ़ते हैं ना, होता क्या है देखो, ये मैं तुम्हें एग्जामिनर की साइकी बताता हूँ. एक 10 मार्क्स का सवाल है ना, एक 10 मार्क्स का सवाल है, अगेन बेस्ड ऑन माई तजुर्बा, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ. तुम्हें पता है तुम्हारा जो एग्जामिनर है ना, वो 5 मार्क्स वो तुम्हें हंसते खेलते देता है, 5 मार्क्स तो तुम्हें हंसते खेलते देता है. अच्छा 10 मार्क्स के लिए तुम्हें कितना टाइम लगाना है, 16 मिनट लगाने, जो मैंने तुम्हें तरीका कार बताया है. 10 मार्क्स का सवाल है, 5 मार्क्स वो तुम्हें ऐसे ही दे देगा, थोड़ा सा भी तुमने सही किया होगा ना 5 मार्क्स दे देगा. अब जब वो 6 मार्क्स देने पर आएगा ना, तो थोड़ी सी सख्ती करेगा, एक दो गलतियां होंगी, अगर 5-6 गलतियां होंगी तो 6 मार्क्स देगा, 6 मार्क्स के ऊपर वो थोड़ा टाइट करता है. इसी तरीके से फिर जो है वो 8 मार्क्स की तरफ जाता है, तो थोड़ा सा और टाइट करता है. 10 मार्क्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं किसी को भी, 10 मार्क्स के अंदर कोई कोमा या किसी भी स्पेलिंग की भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें मैक्सिमम जो है एक सवाल में 9 मार्क्स मिल सकते हैं मैक्सिमम. अब बच्चे पता है क्या करते हैं, वो एक ही सवाल के पीछे पढ़ते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के लगे पड़े होते हैं. अब उसके ऊपर 16 मिनट की जगह वो लगा देते हैं डबल टाइम से 30 से 32 मिनट. अब उसमें गारंटी भी नहीं होती कि तुम्हें 10 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम तुम्हें कितने मिल सकते हैं, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं 9 मार्क्स मिल सकते हैं, ऐसा ही है ना, मैक्सिमम 9 मार्क्स मिल सकते हैं और उसमें तुम्हारे 32 मिनट लग गए. अब मुझे बताओ, अगर तो तुम इस 32 मिनट के अंदर दो दो सवाल कर लेते 16 मिनट में एक नॉर्मल एफर्ट डाल के, तो तुम अज्यूमिंग एग्जामिनर की साई की, तुम 6 मार्क्स तो आराम से लेकर आ जाते कम एफर्ट के साथ. तो सर 16 मिनट एक सवाल पे लगा के नॉर्मल एफर्ट से 6 मार्क्स, और दूसरे सवाल पे नॉर्मल एफर्ट्स लगा के 6 मार्क्स, तो बताओ अपनी फुल एफर्ट्स एक सवाल पे लगा के 9 मार्क्स कमाना ज्यादा बेहतर है, या अपनी एफर्ट्स दो सवाल पे विद इन टाइम लगा के 12 मार्क्स कमाना बेहतर है, बताओ. इज ऑप्शन 1 बेटर, पुटिंग ऑल योर एनर्जी ऑन 1 क्वेश्चन, स्पेंडिंग लाइक 32 मिनट्स एंड अर्निंग लाइक 9 मार्क्स, और स्पेंडिंग नॉर्मल एनर्जी ऑन 2 क्वेश्चंस, अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन विद इन अ गिवन टाइम and earning like 12 marks. Obviously, sir, option 2 is better. और तुम्हें पता है कि ICAP जो है बाज़ुकात कन्नों से भी रोक रहा होता है. तो सर टाइम मैनेजमेंट इज रियली इम्पोर्टेंट.
मैं तुम्हें बताऊं, आज तक अल्लाह की कसम मेरा कोई सवाल शायद पूरा नहीं हुआ, कोई पेपर पूरा नहीं हुआ। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए जितना मुझे याद आ रहा है, और मैं सारे पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है आई गॉट थ्रू। उसकी वजह क्या थी? आई यूज टू ऑप्ट दिस टेक्निक। तो सर दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। तो जो है क्या कहते हैं, आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया, अगर इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डालनी है तो प्लीज ग्रुप पे डाल दो। एक और सवाल करें, व्हाट डू यू से पीपल, इसकी तस्वीर लेके। नहीं ये डॉक्यूमेंट नहीं भेज पाऊंगा मेरी जान, मैंने क्वेश्चन तो भेज दिया, इसकी तस्वीर ले लो मेरी जान। सर इसकी तस्वीर ले ली है आप लोगों ने? अच्छा वर्किंग की भी ले लो। यार तुम लोगों ने तो डाली नहीं है अरसला, तस्वीर नहीं डाली है तुम लोगों ने, बेटा इसकी भी तस्वीर ले लो। शाबाश, ले ली है तस्वीर, फिर इसकी भी ले लो शाबाश, वर्किंग्स की ले लो शाबाश। कायनात बेटा तुमने शायद वर्किंग्स की नहीं ली है। अरसला तला पता नहीं तुम लोग कहाँ मर गए हो। वर्किंग की तस्वीर नहीं ले रहे, कर दो अगर आपके लिए आसान है। हाँ यार अभी खाऊंगा और क्या करूँ, नहीं चल रही। अच्छा यार आप अपने सो जाओ, फिर तस्वीर ले ली, चलो अब इसकी भी ले लो शाबाश। जल्दी 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 अरसला हाथ चलाओ। अरसला मोती की हेल्प कर देना प्लीज, इसकी भी ले लो जल्दी से। चलो बच्चा आप इसकी भी ले लो, शाबाश कायनात शाबाश। इसकी भी ले लो शाबाश, अब इसकी भी ले लो शाबाश। चलो यार थैंक यू सो मच अरसला, थैंक यू कायनात। अच्छा सर अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ शाबाश, जल्दी जल्दी छेती छेती करेंगे। कैसा लगा, मजा आया ये सवाल करने में? मजा आया, कैसा था ये सवाल? नहीं नहीं भाई अभी करो अभी करो, शाबाश। लेंदी था, बिल्कुल लेंदी था, शाबाश। सॉल्व करो, डेल्टा लिमिटेड सॉल्व करो। अच्छा सर इस हैंडआउट के अंदर 5 क्वेश्चन हैं, उसमें से 3 मैं करवा चुका हूँ, एक का वॉइस नोट ग्रुप पे भेजा हुआ है और एक ये रहा डेल्टा लिमिटेड।
सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन सर प्लीज। अच्छा यार ये हमारी एक प्यारी लाडली मुन्नी का एक सवाल है कि सर जो है क्या कहते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं आपने बताया था और जो है बाकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 6 से 7, तो सर उस पर आप बता दें कि कौन से टॉपिक पे फोकस कर। बल्कि मुन्नी एक काम करेंगे इसके ऊपर मैं वॉइस नोट बना के जो है ना वो दे दूंगा, सही है, डोंट यू वरी। अच्छा कितने बच्चे बोलते हैं सर ये होमवर्क दे दें? पढ़ दो लोग कम से कम। अच्छा ये बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है? ना ना IAS 7 तो अभी 1 हफ्ते पहले करवाया है यार, यार मेरे ख्याल से IAS 23 करते हैं, करने तो सभी हैं। बस FR में जो है हाँ लेक्चर्स मैंने दिए हैं, बस ऐसा ही है लिमिटेड करते हैं। बस यार हम लोग जितनी एफर्ट्स कर रहे हैं मेरी कोशिश यही है कि शायद मैं तुम्हें बताऊं पिछले 12 सालों में जो है ना मैंने इतनी जो है वो दिल से और जान से नहीं पढ़ाया होगा जितनी एफर्ट जो है मैं अभी तुम लोगों पे डाल रहा हूं। तो बस दुआ है कि क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम सबको कामयाब करे। कल यार मेरी FR2 की क्लास होती है तो जो है कल तो मेरे ख्याल से भी डिफिकल्ट फॉर मी, लेट्स कीप इट ऑन फ्राइडे आई थिंक। शाबाश शाबाश जल्दी जल्दी करेंगे।
सर मेरे ख्याल से भले फिर ऑफ कर दें, क्या राय तुम्हारी? बोलो तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर ले, डिस्कस कर लें ये क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे थक गए, तो आज वाले ऑफ कर लो, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।